चुनाव को लेकर बड़ी खबर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता का दर्द छलका है। चुनाव के बीच रामेश्वर नीखरा का दर्द छलका। न्यूज 24 एमपीसीजी पर बोले, कांग्रेस में पद को लेकर पार्टी को समय ना देने की बीमारी है। लोगों को पद दे दिए गए पर वो समय नहीं दे रहे। उपचुनाव में समय देने वाले नेताओं की जरूरत है। अब घरों में बैठने वाले नेताओं को पद ना दिए जाएं। तो वरिष्ठ नेता का दर्द छलका है। कहा है कि जो पद पर बैठे हैं वो समय नहीं दे रहे हैं। उपचुनाव में समय की जरूरत है। लोगों को पद दे दिए गए लेकिन अब वो समय नहीं दे रहे हैं पार्टी को। तो उपचुनाव में समय देने वाले नेताओं की जरूरत है, ये कहा है वरिष्ठ नेता का दर्द छलका है। न्यूज 24 एमपीसीजी पर उन्होंने कहा। संगठन में जब समय नहीं देगा कोई आदमी तो संगठन निष्क्रिय हो जाता है। समय वालों को देना चाहिए संगठन का काम, चाहे ब्लॉक हो, चाहे जिला हो, चाहे कहीं भी प्रदेश में पदाधिकारी भी जो बनाए जाएं वो केवल पद लेकर के अपने घरों में बैठने वाले न बनाए जाएं, बल्कि उस पद की सार्थकता को सिद्ध करें कि हमको बनाया गया है तो हमने उसकी सार्थकता सिद्ध की है। तो ये थोड़ा सा बीमारी है कि बहुत से हजारों लोगों के पास पद पहुंच गए पर समय नहीं दे पा रहे वो लोग, तो इसको पार्टी चीफ को देखना चाहिए। तो अब दर्द छलका है रामेश्वर निखरा का और कहा है कि पद तो दे दिया जाता है कांग्रेस में लेकिन वो समय नहीं देते और जरूरत है जो लोग समय दें। उपचुनाव में समय की जरूरत है, ये रामेश्वर निखरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिन्होंने न्यूज 24 एमपीसीजी पर ही बात कही। ये दर्द छलका है उनका। तो रामेश्वर निखरा ने बड़ा बयान दिया है और कहा लोगों को पद दे दिए गए लेकिन अब वो समय नहीं दे रहे। किसकी तरफ ये इशारा कहा जाए, क्या समझा जाए? वरिष्ठ पद कांग्रेस के जो पद दे दिए गए हैं लेकिन वो समय नहीं दे रहे, किसकी तरफ ये इशारा किया है या पार्टी के लिए कहा है? और राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता राकेश। उपचुनाव तो नज़दीक आ रहा है और उससे पहले बेहद ज़रूरी है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए कि प्रचार धुआंधार हो। और ये खबर कि कल खंडवा जाएंगे कमलनाथ, लेकिन उस सब के बीच खबर ये थी कि कमलनाथ एक ही घंटे के लिए खंडवा जाएंगे, एक ही घंटे का समय देंगे। और अब समय की बात ही रामेश्वर निखरा कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई पद दे दिए गए हैं लेकिन वो लोग समय नहीं देते। ये इशारा जो है, ये जो दर्द उनका छलका है, ये किस तरफ समझा जाए? देखिए बिल्कुल, रामेश्वर निखरा की बात करें तो रामेश्वर निखरा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और दिग्विजय सिंह के जो है बड़े करीबी माने जाते हैं। और अब रामेश्वर निखरा ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में तमाम जो पदाधिकारी हैं जिनको पद दिए गए हैं उनकी ज़रूरत है पार्टी को। रामेश्वर निखरा का ये कहना है कि जितना समय देना चाहिए उतना समय नहीं दिया जा रहा। देखिए उन्होंने एक तो ये कहा है कि समय, हालांकि किसी का नाम नहीं लिया है, किसी एक नेता के बारे में नहीं कहा है, लेकिन रामेश्वर निखरा ने कहा है कि वो जो महसूस कर रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं कि नेता जो है पार्टी को समय नहीं दे रहे हैं, पार्टी को समय चाहिए। इसके साथ भी ये भी कह रहे हैं कि यदि नेता जो है समय नहीं दे रहे हैं तो इसकी समीक्षा होना चाहिए, पार्टी को देखना चाहिए। साथ में ये भी नसीहत दे रहे हैं कि भविष्य में जब कांग्रेस में नियुक्तियाँ की जाएँ तो पहले ये तय कर लें कि जिनकी नियुक्तियाँ की जा रही हैं वो नेता समय देंगे या नहीं देंगे। देखिए हम बात करें पूरे चुनाव में, अभी जिस तरह से कांग्रेस की कैंपेनिंग चल रही है, बीजेपी इसको पूरा मुद्दा बनाया हुआ है। बीजेपी बार बार पूछ रही है कि कांग्रेस का नेता कब आएंगे, कब मैदान में उतरेंगे। जाहिर तौर पर है बीजेपी की ओर से लगातार हमला जो है बोला जा रहा है, तो जाहिर तौर पर है रामेश्वर निखरा ये महसूस कर रहे होंगे कि बीजेपी जिस तरह से हमला बोल रही है, जो बीजेपी के दौरे चल रहे हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री उतरने वाले हैं और कांग्रेस जो है सभा, रोड शो और तमाम जो प्रचार की है उसका प्रचार
चर्चा हो जरूर रहा है, लेकिन जो बड़े नेताओं की जरूरत है वो अब तक मैदान में नहीं आए हैं। तो हो सकता है रामेश्वर निखरा ये महसूस कर रहे हों, चूँकि काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कई चुनाव देखे हैं मध्य प्रदेश में और कई चुनाव में अहम मैनेजर की भूमिका भी उन्होंने निभाई है। तो रामेश जो निखरा की हम बात करें, निखरा ने ये कहा है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कि कांग्रेस में नेताओं को जो समय देना चाहिए उतना समय अभी नहीं दिया जा रहा है, समय देने की ज़रूरत है, वो इसकी अभी ज़रूरत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ उपचुनाव में के साथ ही जो पार्टी को समय देना चाहिए वो अभी नहीं मिल पा रहा है। हालाँकि उन्होंने किसी एक नेता को जो है इशारा नहीं किया है, किसी एक नेता पर निशाना नहीं साधा, उन्होंने कहा है। लेकिन एक बात उन्होंने कही जो शायद पार्टी के लिए जरूरी भी है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, समय देने की जरूरत है और हर पार्टी यही मांगती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश, तमाम जानकारी देने के लिए।